वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आज का जो सेशन है, आईपी एड्रेस का जो लास्ट पार्ट है, उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो बात किया था, आईपी एड्रेस क्या होता है, बेसिकली टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी वर्जन है। क्योंकि आज की जो भी डिवाइसें हैं, ऑपरेट भले इंसान कर रहा हो, लेकिन वास्तव में दो मशीनें आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं। तो मशीनें चूंकि डेसिमल नंबर को नहीं समझती, तो उसका बाइनरी स्वरूप जो हमने बनाया, उसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है। और आईपी एड्रेस जो हमारा पारंपरिक आईपी एड्रेस है, जो पूरी दुनिया में भी इंटरनेट चला रहा है, उसको हम लोग IPv4 के नाम से जानते हैं। ये 32 बिट्स का था, और इसका किस तरह से इंसान अपने यूज में याद रख सके, यूज कर सके, तो इसको अलग अलग 4 ग्रुपों में बांटा। और साथ में यह भी रियलाइज किया गया कि ये 32 बिट्स का जो आईपी एड्रेस है, ये काफ़ी नहीं होगा आने वाले समय में। तो एक नए आईपी का भी डेवलपमेंट किया गया, जिसको IPv6 कहते हैं। और IPv6 का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर हम सबके लिए बड़े प्राउड का विषय है कि LT सेंटर गाजियाबाद इंडिया में अवेलेबल है, जहाँ से आप खुद ट्रेनिंग अभी ले रहे हैं। और IPv4 जो है, अभी भी पूरे दुनिया में इंटरनेट पे काम करता है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि दिसंबर 2025 तक हम लोग IPv6 को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर चुके होंगे। फिलहाल अभी पूरी दुनिया का इंटरनेट IPv4 पे ही चल रहा है। ठीक है। इसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था, पहले टेलीफोन नंबर कैसे स्पेसिफाइड किया गया है, इसको कैसे बांटा गया है, किसी पर्टिकुलर एरिया में टेलीफोन नंबर को कैसे अलॉट किया जाता है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, एरिया, सब एरिया, और किस टेलीफोन एक्सचेंज पे जाके फिक्स होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। दूसरा, हमने बात किया आईपी एड्रेस बिल्कुल टेलीफोन नंबर का ही चेंज रूप है, बदला हुआ स्वरूप है। इसमें भी सिर्फ दो तरह का ही स्पेसिफिकेशन होगा। पहला फिक्स पार्ट होगा, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि ये आईपी एड्रेस दुनिया के किस कोने में है। दूसरा, आईपी एड्रेस का सीरियल नंबर। इसका हम लोगों ने कंपेरेटिव एक स्टडी किया और निकालने की कोशिश की। तो मैं आगे का जो पोर्शन है PPT के माध्यम से बताना चाहूँगा। ये हम बात कर रहे थे, एक बार हम रिवाइज मोड में चले जाते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था टेलीफोन नंबर के बारे में, तो हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो आपके आप स्क्रीन पे है। ये मेरा ही टेलीफोन नंबर है जो मेरे टेबल पे लगा हुआ है। तो इसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, फिक्स पार्ट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दूसरा कस्टमर का सीरियल नंबर। ये शुरुआती जो डिजाइन की जो शुरुआत की गई, वो आप समझ सकते हैं, ये 000 से शुरू होता है, और इसको हम कस्टमर का एक्सचेंज आईडी के रूप में जानते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारा जो नंबर है, लास्ट टेलीफोन नंबर, जो हमारा नेटवर्क आईडी के रूप में जाना जाता है आज के समय में। पहले एक्सचेंज आईडी, आज के नए जमाने में नेटवर्क आईडी। इसमें हमें दोनों शब्दों को ध्यान रखना, ये दोनों जो चीज़ें हैं हम किसी कस्टमर को नहीं देते, इन्हें पर्टिकुलर स्पेशल टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है। एक्सचेंज आईडी के रूप में, दूसरा ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में। तो जो वास्तव में जो नंबर अलॉट किया जाता है, 1 से लेकर 998 तक होता है, यानी टोटल संख्या 1000 से लेकिन -2 किया जाता है। -2 क्यों किया जाता है, पहला और लास्ट हम देते नहीं हैं। ठीक है। तो पहले को नेटवर्क आईडी, लास्ट को ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है। अब हम इसी आईपी एड्रेस में आ जाते हैं। अगर आईपी एड्रेस हमारा इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर इसमें हम बात करें, एक आईपी एड्रेस जो आपके स्क्रीन पर लिखा है 172.39। ठीक है। अगर इसमें जो हम बात करने की कोशिश करें, अगर अभिषेक आपसे पूछें कि इस जो आईपी एड्रेस है, इसमें आपको डेफिनेटली ये दो भागों में बटेगा, एक फिक्स पार्ट में बटेगा और दूसरा कस्टमर वाले पार्ट में बटेगा, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो आईपी एड्रेस है, जो कि 32 बिट का है, इसका कुल कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है? अभिषेक। टोटल सर थर्टी टू बिट का है। अगर आपको, मैं कल अगर आपको याद होगा, तो मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ पे किसकी मदद से हम ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि ये 32 बिट्स में लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से कितना बिट फिक्स है या कस्टमर का है। भाई, 254 सर। ये जो 24 बिट्स है ना, हाँ इसमें सर। से तो अपन फाइंड करते हैं। ठीक है। हाँ सर। ये बहुत सिंपल सवाल है। हम एक आम इंसान किसी आईपी एड्रेस को या तो इस फॉर्मेट में लिखता है या क्लास ABCD, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन मैंने अगर आपसे पूछा कि इसमें कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है, तो आपने ये जो स्लैश 24 है, इसकी का मतलब होता है कि फिक्स पार्ट है। ठीक
और इसका जो दूसरा नाम है उसको हम लोग नेटवर्क बिट के रूप में जानते हैं। और अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो आपको चार पांच सवाल पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। चार पांच सवाल कौन कौन से पूछा जाता है आपसे कि नेटवर्क आईडी बताओ, ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ, पहला क्या, लास्ट क्या, इस तरह सवाल पूछा जाता है। तो आप क्या करते हैं कि इन्हें पहले सेपरेट ग्रुप में है तो हमने सेपरेट ग्रुप में लिख दिया, और जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया, ये फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, 24 फिट फिक्स हो गए। बचा हुआ पार्ट में चाहे या कोई भी इंफॉर्मेशन दी हो, ये पूरा का पूरा कस्टमर का सीरियल नंबर होगा। टेलीफोन नंबर के देख रहे थे 000 से स्टार्ट होता था, 164 भले टेलीफोन का नंबर दिया था लेकिन वो 000 से स्टार्ट हुआ था और 999 से। उसी तरह यहाँ कुछ भी लिखा हो डजेंट मैटर, आल बिट जो स्टार्टिंग होगी ट्रिपल, आल बिट्स आर जीरो, यानी 800 बिट जीरो शुरू होंगे और आल बिट्स आर वन से शुरू होंगे। जब हमें नेटवर्क आईडी की मांग की जाएगी, यानी पहला आईपी, तो ये आपका नेटवर्क आईडी कहलाएगा जीरो, और ये जो लास्ट है आपका ब्रॉडकास्ट आईडी कहलाएगा। तो ये हम लोग ऑलरेडी कल के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आज इसी सेशन में हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर मैं आपको एक ऑप्शन दे दूँ ए बी सी डी करके एक सवाल, तो आज थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे /24 होता, सपोज करो, अभिषेक अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कल हमने पूछा भी था, अगर ये /24 होता तो नेटवर्क आईडी आप क्या लिखते हैं, आप नेटवर्क आईडी क्या होना चाहिए, अनम्यूट होके बता सकते हैं। हाँ बताएं सर, जैसे 24 लिखा है वहाँ पे। हाँ हाँ, अगर ये अभी इसको भूल जाओ 25, अभी मान लो यार 24 लिखा, उस केस में बताना आपको। 10.10 वेरी नाइस, 64/24 आ जाता। हाँ, और ब्रॉडकास्ट आईडी सर 10.10। हाँ 10.10, तीनों तो 24 सही हो गए। हाँ, यहाँ पे आल बिट सर वन, तो वैल्यू क्या आएगी, 255। हाँ ठीक है, आल बिट सर वन है तो 255, एक ब्लॉक जीरो से शुरू होता है इतना। और आईपी रेंज अगर पूछे तो कहाँ शुरू होगा, वन से शुरू होगा और 255 आउट नहीं ना, ठीक है। यस सर, नंबर ऑफ हॉर्स पूछे कितने कस्टमर, ठीक है, तो यहाँ दिख ही रहा है 254, लेकिन निकालने की बात होगी तो टोटल 2 की पावर 32 बिट टोटल होता है, जिसमें फिक्स वाले बिट को माइनस कर देंगे, यानी 24 को माइनस करेंगे, जो संख्या आएगी टोटल संख्या आएगी 256, जिसमें पहला और लास्ट भी शामिल होता है, इसको माइनस कर देंगे तो अपने आप 254 आ जाएगा। ये चीज़ें हमने कर लिया, ठीक है, ये आपकी हो गई जानकारी जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इसमें एक लास्ट जो रह गया हमारा, ये जो लास्ट रह गया, इसके बारे में अगर हम बात करें, ये क्या चीज है। मैंने अभी आपसे पूछा, अगर इसी सवाल में अगर मैं अभिषेक आपसे पूछूं कि इस सवाल में जो अभी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके स्क्रीन में, उसमें कुल कितना फिक्स पार्ट है, तो आप क्या बताएंगे, हाउ मेनी फिक्स पार्ट इन दिस क्वेश्चन, /25 है तो कैसे बताओ कितना होगा, कितने बिट फिक्स है। अभिषेक आवाज आ रही मेरी आपको? यस सर। और कितने बिट फिक्स है यहाँ पे बताओ से, यहाँ 25 बिट्स। हाँ बिल्कुल, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल क्लियर, मैं ऐसा कोई चीज नहीं पूछ रहा हूँ कि बहुत हाई फाई है भाई, जो बात बताया यहाँ पे जो लिखा होता है वही फिक्स होता है, ठीक है। तो ये हम या आप कोई भी इंसान जो सामने यहाँ पे इस तरह से आईपी लिखी जाती है, तो यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है उस संख्या के आधार पे वो आसानी से बता देता है कि इसमें कुल 25 फिक्स हो गए और कस्टमर वाला कितना हो गया, 32 में से 25 माइनस कर दो, 7 कस्टमर वाला बिट यानी हॉस्ट बिट हो जाएंगे, टोटल तो 32 बिट्स है ना, ठीक है। तो फिक्स पार्ट अगर पूछा 25, एक आम इंसान इसे देख के बता सकता है, लेकिन वास्तव में ये जो आईपी एड्रेस है वो इंसान तो नहीं लिखता ना, वो यूज किया जाता है आपके मशीनों और डिवाइसों के अंदर, ठीक है। तो मशीन और डिवाइस कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता होता कि कितना बार फिक्स और कस्टमर है। मैं ऐसे अपने रियल कंप्यूटर के बारे में बात करूं, ये मेरा रियल कंप्यूटर है, अगर मैं इसका वो खोलूं आईपी एड्रेस वाला पोर्शन, आप यहां देख पाएंगे ये मेरा जो वास्तविक कंप्यूटर है, मैं यहां पे जहां पे आईपी एड्रेस मैंने अलाट किया अपने कंप्यूटर को, पहले मैं उस लोकेशन में पहुंचता हूं फिर देखता हूं, ये मेरा कंप्यूटर है, इसको क्लिक किया और इसके प्रॉपर्टीज में चला जाऊँ और मैं यहाँ 4 पे जाऊँ, तो ये मेरा रियल कंप्यूटर है। आप यहाँ पर अगर आप एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर /24 या 26 की भाषा को नहीं समझता, ये कंप्यूटर बिल्कुल ही नहीं समझता 24 क्या है, 26
कंप्यूटर इस बात को नहीं समझता, राइट, ठीक है। तो इस केस में कंप्यूटर को बताने के लिए, अगेन आई रिपीट, कंप्यूटर को कैसे ही पता चलेगा कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा है इसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है? कंप्यूटर को कैसे ही पता चलेगा? यह बताने के लिए हमें मास्क का इस्तेमाल करना पड़ता है। मास्क, मास्क का मतलब कोई कहता है ना, मास्क बना दो, सिंबल बना दो, चिन्ह बना दो, मास्क। और जब शुरुआत में आईपी एड्रेस, जब इतना इंटरनेट पॉपुलर नहीं था, अमेरिका ने जब डिस्ट्रीब्यूशन किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, तो उसने क्या किया कि चलो भाई एक नियम बना देते हैं कि नियम कौन क्लास से होगा क्लास। तो उन्होंने एक नियम बताया कि दुनिया में जो आईपी एड्रेस है उन्हें हम लोग ए बी सी डी और ई क्लास बोलेंगे, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये बात बोली वो सभी आईपी क्लास ए कहलाएंगी। उन्होंने बनाया एक नियम बनाया, जैसे आप कोई काम करोगे ना अपना नियम बना सकते हो अपने घर में, आप बिल्कुल आजाद हो, लेकिन एक बार नियम बना देने के बाद उस नियम को आप आसानी से बदल नहीं सकते। तो आपने कहा क्लास ए, कहोगे कि वो सारे आईपी एड्रेस क्लास ए कहलाएंगी अगर उसकी गिनती शुरू होगी जीरो से शुरू होगी और 126 तक जाएगी एंड क्लास एट होगा। क्लास ए आईपी, वो सारी आईपी एड्रेस क्लास ए बी सी डी की अगर बात करें, वो सभी आईपी क्लास ए कहलाएंगी अगर उनकी गिनती शुरुआत की जाए जीरो से शुरू हो और 126 तक जाए। और इतना क्लास बी के लिए उन्होंने बोला कि वह आईपी जो 127 से शुरू हो, 127 से शुरू होगा और 191 से जाएगा, शुरुआती वाला जो हिस्सा है वो, एंड क्लास 16 होगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्लास सी के लिए बोला कि जो 192 से स्टार्ट होगा एंड 223 तक जाएगा, उन्होंने एक बात बोली। और साथ में ये कहा कि स्लैश 24 हो। और डी के लिए कहा भाई डी हम किसी को बांटेंगे नहीं, डी हम स्पेशल पर्पज के लिए यूज करेंगे, इसको बोला उन्होंने स्पेशल यूज किया जाएगा। और इनका नाम रखा उन्होंने कि मल्टी टास्क के लिए यूज करते हैं, मल्टी टास्क पर्पज के लिए यूज करते हैं ना, ठीक है। और ई के लिए बोला कि चलो यार भविष्य में जब बहुत ज्यादा इंटरनेट बढ़ेगा तो हम लोग ई भी यूज करेंगे, उन्होंने ऐसी बातें शुरू में डिसाइड करी, ठीक है ना। और आज समय ऐसा आ गया कि हमारा फ्यूचर में तो भाई आईपी भी खत्म करना पड़ा, उन्हें अंदाजा नहीं था कि हम हर एक डिवाइसों को आईपी एड्रेस अलॉट करेंगे, ये समय के साथ बदला। तो ये जो ए बी सी डी था इन्हें बोला मास्क, इन्हें बोला ये मास्क है, एक सिंबल बना देते कि ए बी। और अमेरिका ने कहा कि मैं क्लास ए यूज करूंगा, क्यों बोला उन्होंने, कहा कि भी सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर तो हम ही होंगे दुनिया में, तो मैं क्लास ए यूज करूंगा। स्लैश एट का मतलब है कि इसमें जो कंप्यूटर जोड़े जाने की संख्या होगी, नहीं नंबर ऑफ आईपी किसमें ज्यादा होगा, इसी में ज्यादा होगा, क्योंकि 2 की पावर 32 में से अगर मैं -8 करूं और फिर -2 करूं तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो अमेरिका वाले ये कहते थे कि भाई सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर तो मैं रहूंगा, बाकी दुनिया तो कम यूज करेंगी अमेरिका, बाकी इंडिया को उन्होंने क्लास बी दिया, कुछ गरीब कंट्री से उन्होंने कहा तुम क्लास सी यूज कर लो और बाकी डी के लिए तो मैंने लिखा ये फ्यूचर में चलेगा, इस तरह की उन्होंने बातें करी। वेलकम बैक, आवाज थोड़ी सी चली गई होगी मेरी, कोई बात नहीं, मैं रिपीट करता हूँ। तो जो अमेरिका ने बांटा वो क्लास ए बी सी डी करके बांटा था, ठीक है। और क्लास ए बी में उन्होंने बोला, फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्लास ए में उन्होंने बोला कि वो जीरो से शुरू होगा और 126 तक रहेगा एंड स्लैश एट रहेगा, राइट, ठीक है। दूसरी बात बोली क्लास बी के लिए कि ये आपका 127 से शुरू होगा एंड 191 तक चलेगा एंड स्लैश 16 रहेगा, ये दूसरे के लिए बोला। और क्लास सी के लिए बोला उन्होंने कि ये 192 से शुरू होगा और 223 तक चलेगा एंड स्लैश 23 तक रहेगा, स्लैश 24 रहेगा। और डी के लिए बोला इन्होंने कि ये स्पेशल पर्पज के लिए यूज होगा और इसका इन्होंने नाम दिया कि ये मल्टी टास्क के लिए यूज किया जाएगा। और ई के लिए बोला कि ये फ्यूचर में यूज करेंगे हम लोग इसका, ठीक है ना। तो इन्होंने एक बात बताई कि इस तरह से होना चाहिए, लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं, और उन्होंने क्लास ए अपने पास रखा, तो इसका परिणाम ये हुआ कि भाई आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंटरनेट यूज किया जाता है वो इंडिया और चाइना के लोग यूज करते हैं, राइट, ठीक है। तो हमें जब बी दे दिया तो बी से तो बात ही नहीं बनने वाली, तो हम लोगों ने जुगाड़ किया, हमने कहा ठीक है इंडिया इज अ जुगाड़ कंट्री,
तो इंडिया वालों ने बहुत तेज है, इंडिया और चाइना के जो लोग होते हैं ना बहुत तेज होते हैं, ठीक है हमें इतना ही दिया ना, हम इसी को हम बहुत सारा बनाएंगे। तो मैं कहा मैं /17 यूज करूंगा, /18 यूज करूंगा, ये तो तुमने कहीं नहीं बांटा ना, ये मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर लूंगा, अप टू 23 तक हम लोग कर सकते हैं। तो एक जुगाड़ व्यवस्था लगाई, तो जो आपका वो था क्लास ए बी सी डी, उसके अलावा भी आईपी एड्रेस आने लगे, /17 भी आ गया, /18 आ गया, तो इन्हें क्लासलेस बोल दिया गया, ये किसी भी क्लास में नहीं आएंगे। तो इन्हें बोला गया सबनेट मास्क, तो सबनेट मास्क का मतलब होता है वो सभी आईपी क्लास ए बी सी डी के बाहर हो जाए उस सबनेट मास्क में आ गया। तो ओवरऑल जो हमारी वो चीज़ें बनाई गई, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो ये जो लाइन सबनेट मास्क है, इसकी मदद से हमारा कंप्यूटर जान जाता है कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा गया है इसका कितना भाग फिक्स और कस्टमर वाला पार्ट है। तो मैं आगे बढ़ूँ तो अभी मैंने यहाँ जो भीतर किया, एक सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है, ताकि इसको थोड़ा और क्लैरिफिकेशन हो जाए, कि मैं एक ऑप्शन लिखता हूँ, कुछ आईपी लिखता हूँ यहाँ पे 192.168.5.4/24, ऑप्शन बी लिखता हूँ 10.10.10.5/8, ऑप्शन सी लिखता हूँ 10.192.168.5/16 लिखता हूँ, ठीक है ना, ऑप्शन डी लिखता हूँ 192.168.256.31/24 ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ऑप्शन ई जो है एक ऑप्शन और बना देते हैं 10.10. या ऐसे कर लेते हैं 117.15.16.9/4.4/16 कर लेते हैं, राइट, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें, ठीक है ना, आपके पास ऑप्शन हो गए ए बी सी डी, ठीक है। अब अभिषेक आपसे मैं सवाल पूछूंगा, कोई डाउट होगा तो इससे कंफर्मेशन दूर हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं, मैंने इधर क्लास ए बी सी डी करके बताया, राइट, तो पहला सवाल तो मेरा होगा कि इसमें से जो पांच ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा आईपी वैलिड नहीं है, संभव नहीं है, पहले तो मुझे आप ये बताएं, विच आईपी इज नॉट पॉसिबल, सर वैलिड नहीं है, हाँ पहले बताओ वैलिड नहीं है, संभव नहीं है, सर डी सर, हाँ क्यों सर, इसमें वन क्या होता है 256 है सर, हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल सही, बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि आज के बाद आप कभी जिंदगी में घबराओगे नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये तो आपकी बात की बात है, पहला चेकिंग मेरी यही होती है कि सारी जो वैल्यू है एक से लेके 255 हो, ठीक है ना, तो ये तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये तो वैलिड ही नहीं है, ठीक है, तो आप इसमें पास हो गए। नंबर टू, अब मैंने यहाँ पे क्लास ए के बारे में बोला, वो सभी आई पी क्लास ए कहलाएंगी अगर उनकी वैल्यू शुरू हो 0 से 126 के बीच में, साथ में स्लैश सेट हो, ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें कौन सा क्लास ए कहलाएगा, ये आपको ये चेक करना है, पहला वाला लॉक, ठीक है ना सर, बी सर, चल आराम से पहला वाला, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो दोनों बातें लागू हो वो क्लास ए कहलाएंगे। तो आपने बोला बी, बी फॉर बॉम्बे, यस सर, आपने बोला बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल आपने मेरी बात बिल्कुल सही पकड़ी है, ये जीरो से बिल्कुल, और ये दोनों चीजें तो ये आपकी क्लास ए आईपी होगी, इसमें नो डाउट, ठीक है। अब आप मुझे बताएं क्लास बी की आईपी कौन सी होगी, सर क्लास बी की आईपी होगी सी सर, ए नहीं सी सर, सी सी, हाँ सर, ठीक है, क्लास बी के लिए क्या बोला मैंने, 127 से लेके 191 से लेके, पहला वाला ब्लॉक देखना है, गड़बड़ हो गई, हाँ सर, हाँ, ठीक है, तो क्लास बी का कोई है, कोई मैच कर रहा है सर, इसमें तो कोई मैच ही नहीं कर रहा था, क्यों, ये वाला क्या है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सर, ये तो 170 वो क्या होते हैं 177 है ना सर, 77 क्या है वो, 117 है सर इसमें ये क्या, ठीक है, तो ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी वैलिड नहीं, इसमें कोई क्लास बी का नहीं है, राइट, वेरी नाइस, ठीक है, और इसमें क्लास सी का आईपी है कोई, सी का तो है सर, डी सर, डी, डी तो अभी आपने कहा इनवैलिड है,
हाँ डी नहीं, सॉरी। जल्दी मत दो, देखो कंपटीशन का क्वेश्चन है, आज के बाद तुम फेल नहीं होगे कंपटीशन में, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर तुमने सही पकड़ लिया। ऑप्शन ए के बारे में क्या विचार है? ए ए ए सर, ए 192 से लेके। वेरी नाइस, समझ में आ गई मेरी बात। यस सर। बाकी जो वैलिड आईपी है, देखो ये तो इनवैलिड हो गया, इसके अलावा वैलिड आईपी कौन कौन सी है लेकिन वो इन कैटेगरी में नहीं आती, जैसे ये आ गई हाँ आईपी तो वैलिड है, ये भी आईपी है लेकिन वैलिड है, लेकिन वो ये जो मैंने कैटेगरी बताई उसमें नहीं आती, तो इनको हम बोलते हैं क्लासलेस आईपी। समझ में आ गया, जिसकी कोई क्लास नहीं है, और एक क्लासलेस आईपी का जनक कह सकते हो या फादर कह सकते हो इंडिया और चाइना। इन्होंने क्यों किया? क्योंकि इनको जो बांट दिया था तो उसके बाद लगा भाई हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर है, तो हम लोगों ने दिमाग लगाया और जुगाड़ के हमने क्लास पे कर दिया, राइट। ठीक है, तो ये चीज एक चीज होगी। अब आपको आते हैं सबनेट मास्क, मास्क का भी नाम सबनेट, बेसिकली ये मास्क यही थे ABCD, लेकिन ओवरऑल एक ही शब्द यूज, बाकी भी जो आ गए ना जो इस कैटेगरी में नहीं थे, तो उन्होंने कहा एक बड़ा सा नाम दे देते, कॉमन नहीं देते, सबनेट मास्क लिख देते हैं। तो सबनेट मास्क इज नथिंग, वो सब पे लागू, क्लास ए को भी सबनेट मास्क कह सकते हो, जो ये एक ऐसा चिन्ह जिससे मुझे ये पता चल जाए कि कितना भाग फिक्स है कितना भाग कस्टमर का है। तो 2 मिनट और लगेंगे, आप थोड़ा वापस आ जाते हैं पीपीटी पे। ये जो नीचे वाली लाइन है इसकी मदद से हम ये जान जाते हैं कि जो आईपी एड्रेस लिखा है इसके आगे /8 होगा या /16 होगा या /17 होगा, इस नीचे वाले की मदद से हम लोग जान सकते हैं, यानी इसमें कितना भाग फिक्स है। ये हम निकालेंगे कैसे वो मैं आपको यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा, ताकि एक बार कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके है। आप आ जाइए, ये कहाँ पे लगा ये, ठीक है। इसमें जैसे इस क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल समझ, अगर /25 भी आ जाए तो भी आप कर सकते हो सारे चीजें। तो इसमें पहले मैं इन चार को निकालूंगा, फिर लास्ट में सबनेट मास्क निकालूंगा। आप ध्यान से सुनना, ये लास्ट है, अगले 4 या 5 मिनट में आपको आईपी एड्रेस 100% आ जाएगा। पूरी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में सिर्फ इन 5 चीजों से मतलब होता है। शुरू के 4 चीज तो आप समझे चुके, पांचवा भी आप समझ जाओगे अगले 3-4 मिनट के अंदर। ठीक है, अब आते हैं। सबसे पहले इसमें सारे सवाल निकालने हो तो हम लोग क्या कहते हैं, सबको ग्रुपिंग बना दिया भाई, ये 10-10 का ग्रुप हो गया, एक एक ग्रुप हमने अलग कर दिया, हर ग्रुप 8 बिट का, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हमने /25 है, तो /25 का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 25 बिट, 1 यानी फिक्स होगा जो बदलेगा नहीं, जो कि नियमानुसार हम लोगों ने डिस्कस किया कि पहला फिक्स है, इसमें तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, पूरा का पूरा ग्रुप ही फिक्स हो गया, तो इसकी जो वैल्यू है वो ज्यों का त्यों रह जाएगी। दूसरे का भी ग्रुप 10 10 8 8 16 हो गया, 24 हो गया, और तीसरे का 65 है, तो पहले तो मैं इसको टोटल 8 बिट के बाइनरी में लिखूंगा, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड से पहला बिट तो फिक्स होगा, बाकी कस्टमर वाला बिट होगा, तो इसके मैं बाइनरी बनाया, तो मैंने पहले बिट को जानबूझ के बड़ा दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जो बड़ा है वो फिक्स है। तो जब हम टेलीफोन नंबर निकालते हैं तो फिक्स पार्ट को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वेरिएबल पार्ट का हम काउंटिंग करते हैं। तो अगर मुझे नेटवर्क आईडी निकालना हो, सपोज कर मुझे नेटवर्क आईडी निकालना हो, तो जो फिक्स पार्ट है उसको तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, जो फिक्स पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, यूं करते हो। बाकी नेटवर्क आईडी का मतलब यहाँ तक कुछ भी वैल्यू आए वो सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए, यही तो नियम कहता है, तो मैंने सारे 0 लिख दिया। लेकिन जब इंसान हो, इंसानों की तरफ हम लिखने की बात करेंगे, तो इन 8ों का सोल्यूशन, क्योंकि एक ग्रुप 8 का है, तो इन 8 का जो सोल्यूशन आएगा आपका 0 आ जाएगा। अगर मैं इसमें ये करने की कोशिश करूँ कि नेटवर्क आईडी लिखने की कोशिश करूँ, तो 10.10.10.0/25 होगा, तो यहाँ 25 की बात कर दिया। ठीक है, इसी तरह से ब्रॉडकास्ट की अगर मैं बात करूं लास्ट वाले की, तो भैया जो फिक्स पार्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा, काम करते हैं दोबारा इसमें भी चेक कर, जो ब्रॉडकास्ट है ये यहाँ से यहाँ तक फिक्स रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, जो आपने बाकी सब 1 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब मैं सॉल्व करके लिखूंगा तो इन 8ों के ग्रुप का मैं सोल्यूशन लिखूंगा, और 8ों का ग्रुप का जो सोल्यूशन आएगा 120 आएगा। उस लिहाज से अगर मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आई डी लिखूँ 10.10.10.127 आएगा, सॉल्व करके लिखना /25 आएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, आईपी रेंज 0 देना नहीं, 127 देना नहीं, तो 1 से लेके 126 तीसरा आंसर भी हो गया, आईपी रेंज या आईपी पूल। ठीक है, अगले हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक चीज, नंबर ऑफ आईपी भी निकालना, टोटल आईपी निकालना, तो आप यहाँ तो देख ही पा रहे हैं ना कैसे 120, तो कैसे निकलेगा,
ये आएगा 2 की पावर 32 में से 25 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 7, और पहला और लास्ट नहीं देना है तो टोटल आएगी वैल्यू 128 माइनस 2, तो नंबर आप आईपी भी आप निकाल लोगे जो कि यहाँ दिखाई भी दे रहा है 126 की संभव। अब सबनेट मास, सबनेट मास के बारे में बोला कि सबनेट मास जो होता है वो नंबर ऑफ बिट फिक्स है उसके लिए बनाया गया, चिन्ह बनाया गया जिससे कंप्यूटर समझ जाए कि कितना भाग फिक्स है कितना भाग कस्टमर है। तो सबनेट मास का मतलब इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आईपी एड्रेस बेसिकली इंसान जब अपने बारे में लिखता है तो इस तरीके से लिखता है, लेकिन वास्तव में बाइनरी है और 24 आपका, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से 24 बिट आपका फिक्स है और 8 बिट कस्टमर वाला, सीधी सी बात है, हम और आप तो समझ गए क्योंकि यहाँ लिखा था, लेकिन कंप्यूटर को कैसे समझे इस चीज को बताने के लिए सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम तो हमने सबनेट का इस्तेमाल किया। हमने क्या किया, जितना भाग फिक्स है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स है उनको वन कर देना है, वन सिर्फ ये बताता है कि फिक्स पार्ट है, वन का मतलब फिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे हमारा ये इसका सबनेट निकालना है तो ये जितना फिक्स पार्ट है उनको यहाँ क्या वैल्यू से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ बता रहा है फिक्स है, अच्छा 8 बिट 1 हो गए, अभी फिक्स है 16 24, इसका 8 फिक्स है तो 1 फिक्स कर दिया, बाकी सब 0। और जब मैं इसको लिखूंगा सोल्यूशन सॉल्व करके तो इससे वैल्यू आएगी 255, इसकी भी 255 255, और इसका 8 का सॉल्व करोगे तो 120, इसका सबनेट मास 128 आ जाएगा। तो अगर मैं अभिषेक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इसको क्लीन कर देता हूं, कोई भी एक आईपी एड्रेस मैं यहां पे लिख देता हूं 192.168.5.4/ मान लो 24 लिखूं, तो मैं अगर आपसे पूछूं इसका सबनेट मास क्या होगा तो क्या होना चाहिए लेफ्ट हैंड सबनेट मास? हाँ हाँ, अब सबनेट पूछे, बाकी चेन तो निकाल लोगे, चारों निकाल लोगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट 1 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 जो बच गया, ठीक है, डॉट वो सारे 0 0 हो जाएंगे। तो हम जब लिखेंगे, जब हमें लिखने की बारी आएगी तो मैं क्या करूंगा इनका सोल्यूशन लिखूंगा, जब 8 बिट 1 होता है तो उसकी वैल्यू आती है 255, ठीक है ना, उसकी वैल्यू आएगी 255, तो पहले ब्लॉक का 25, दूसरे ब्लॉक का 25, तीसरे ब्लॉक का 25, 0, ये इसका सबनेट मास हो गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। क्लास ए का सबनेट मास क्या होगा, क्लास ए में क्या था? अगर क्लास ए का सबनेट मास निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्लास ए के बारे में मैंने क्या बोला था, तो 0 से शुरू होगा पहली बात तो ये बोली थी, और 126 तक जाएगा, ठीक है ना, एंड स्लैश 8 होगा, ये तो हमारे लिए होगा, लेकिन सबनेट निकालने के बारे में बात करें तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड से 8 बिट 1, तो क्या जाएगा 255। क्लियर हो गया कि नहीं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, और sir. क्लास क्लास बी का 16 है तो 255.0.0, कोई कंफ्यूजन नहीं सर? ठीक है, अब चलते चलते मुझे इस सवाल का आंसर दे जाओ, फिर आज का सेशन ओवर करेंगे, कल हम लोग OSI और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये हमने ये निकाला, ये है इसमें, ये जो मेरा कंप्यूटर है इसमें स्लैश कितना होना चाहिए सर, कौन सबनेट मार्क्स में? हाँ, ये जो आईपी लिखा है जो आपके स्क्रीन में घेरे में बना रहा हूँ, इसका सबनेट क्या होना चाहिए, स्लैश क्या होगा यहाँ पे? 255 8 बिट 1 8 बिट, ये तो क्लास बी में आता है ना सर? ये कोई बी में नहीं है क्योंकि ये 10 है ना। हाँ सर, ये तो कोई क्लास में नहीं है, लेकिन सबनेट मास्क तो होगा ना क्योंकि वैलिड आईपी है, तो यहाँ पे स्लैश क्या होना चाहिए, क्लासलेस आईपी है, मैंने अपने यहाँ यूज किया है। हाँ, क्या होना चाहिए, 16 16 कंफ्यूजन नाउ होपिंग द होल पॉइंट ग्रेटिंग, आपने पॉइंट गेन कर लिया होगा, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन हो तो पिछले 3 करके आईपी एड्रेस एटलीस्ट क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसके जो मैंने पढ़ाया ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा, मैंने प्रैक्टिकली चीजें कैसे बनी, किस चीज के लिए बना, वो चीज मैंने आपको बताई है, तो इसको आप अटेंड करें और कल फिर से ज्वाइन करेंगे क्लास। थैंक यू सर।